उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो बेहद सफल रहा। जी हाँ, राहुल गांधी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची तथा कांग्रेस के पहले रोड शो में वे लोगों पर छा गईं। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक की यात्रा में उनकी एक झलक के लिए सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग नजर आए। कुल मिलाकर 5 घंटे की अपनी यह यात्रा उन्होंने 15 किलोमीटर तक तय और अपने 4 दिवसीय प्रवास के पहले प्रियंका ने एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन उनके हाव भाव और अंदाज ने लोगों को बेहद प्रभावित किया। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भी इस पर बेहद प्रसन्नता जताई और उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी मुद्दों की कमी नहीं है जिनका उन्हें जवाब देना होगा। देश के प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन बीच बीच में राफेल की डमी बताकर उन्होंने भाजपा पर हमलावर होने का संकेत जरूर दिया। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी गई है। उन्होंने प्रियंका को आदर्श पत्नी और बेहतरीन माँ बताते हुए कहा कि उन्हें देश सेवा के लिए जनता को वे सौंप रहे हैं। साथ ही उन्होंने बदले की भावना और जहरीले राजनीतिक माहौल से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।